जय हिंद क्लास। कल हमने पढ़ा था हैज टू हैव टू का यूज, ठीक है। आज हम उसका रिवीजन करेंगे, देन उसके आगे वाले भाग को अच्छे से और समझेंगे, क्योंकि इसमें तीन भाग होते हैं। पहले हम वर्ब के साथ यूज करते हैं, देन हम नाउन और एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं, थर्ड वाला हम नाउन के साथ यूज करते हैं। कहां करते हैं, कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। अंदर से लियो, देखो कल हमने देखा था हैज टू हैव टू का उपयोग, मॉडल सीरीज का नेक्स्ट भाग था हैज टू। इसमें होता है जैसे जब भी किसी वाक्य के अंत में पढ़ता है, ना है, होता है, आएगा। जब भी किसी वाक्य के अंत में पढ़ता है, ना है, होता है, आएगा, ये हमारी पहचान है, ठीक है। सेंटेंस के अंत में अगर पढ़ता है, ना है, होता है, आएगा, तो उसमें हम यूज करेंगे हैज टू। इसका स्ट्रक्चर बताया था आपको, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैज टू, हैज टू हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस हैज टू हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, सिंपल है। अब देखो इसमें हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव का क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या रहेगा, डब्ल्यू एच का क्या रहेगा और डब्ल्यू एच नेगेटिव। अगर आपने कल आप नहीं आए थे या कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखें, ताकि आपको डिटेल में सारा समझ में आए, ठीक है। वैसे सभी आए थे कल, कोई अभी ऑप्शन नहीं था, दिव्या ऑप्शन थी, दिव्या आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखो जैसे मैं बोलता हम, हमें उसे समझाना होता है, हमें उसे समझाना होता है, समझाना होता है, होता है, या हमें उसे समझाना पड़ता है, या हमें उसे समझाना है, तीनों बोल सकते हैं, ठीक है। हमें उसे, बैठ जाओ, जाओ, समझाना पड़ता है, हमें उसे समझाना है, अरे बेटा समझ, हमें उसे समझाना है, हमें उसे समझाना पड़ता है, हमें उसे समझाना, मतलब हम हिंदी में तीन प्रकार से बोल सकते हैं, हम हिंदी में तीन प्रकार से बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बनाएंगे हमें, सुनो, इंग्लिश में हमें को क्या बोलते हैं, हम वी, अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, वी, वी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैज टू आएगा कि हैव टू आएगा, हैव टू। कल आपको समझाया था कि जब भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहां पे हम यूज करेंगे हैज टू का, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव टू का, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज टू का, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव टू का। और ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो बोलना चाह रहा है कि हम, मतलब हमें, हम मतलब हमें, हमें उसे समझाना पड़ता है, ये समझाना होता है, ये समझाना है, तीन प्रकार से बोल सकते हैं। तो वी हैव टू समझाने की वर्ब होती है एक्सप्लेन, ठीक है, समझाने की वर्ब होती है एक्सप्लेन। वी हैव टू एक्सप्लेन, आप सबकी आवाज जाती है वहां पे, ठीक है, मैंने क्या बोला, जाती है। वी हैव टू एक्सप्लेन, जानबूझ के बोल रहे हो ताकि घर जाकर सुनू, मैंने बोला था वहां पे क्लास में। वी हैव टू, इधर देखो, हम हिंदी में इस प्रकार से तीन प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही बनाएंगे।
हमें उसे समझाना होता है, हमें उसे समझाना पड़ता है, हमें उसे समझाना है. वी हैव टू एक्सप्लेन उसे. अब ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है. तो यहां हम हिम भी लिख सकते हैं या हर भी लिख सकते हैं. तो हमें मतलब हमारी बात कर रहे हैं, हमें उसे समझाना पड़ता है. तो वी हैव टू एक्सप्लेन हिम, हमें उसे समझाना होता है. वी हैव टू एक्सप्लेन हिम, हमें उसे समझाना पड़ता है. वी हैव टू एक्सप्लेन हिम, हमें उसे समझाना है. वी हैव टू एक्सप्लेन हिम. ये पॉजिटिव सेंटेंस है. इसको नेगेटिव बनाएंगे, हमें उसे नहीं समझाना पड़ता है. तो वी डू नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहां पे क्या निकलेगा, डू. वी डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन हिम. दोनों में से एक भी बोल सकते हैं. अभी हम मान लो लड़का है तो हम बोलेंगे हिम, हमें उसे नहीं समझाना पड़ता है. वी डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन हिम. क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, इंट्रोगेटिव. क्या हमें उसे समझाना पड़ता है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब. तो डू वी हैव टू एक्सप्लेन धीरे क्वेश्चन मार्क. क्या हमें उसे समझाना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क. ये मत सोचना कि तुम कैमरे के पीछे हो या मैं कैमरे के आगे हो तो मैं आपको मारूंगा नहीं, डांटूंगा नहीं, पूरा डांटूंगा और धोऊंगा भी सही यहां सामने, ठीक है. घर जाके देखते रहना उसमें. क्या हमें उसे समझाना पड़ता है? तो क्वेश्चन मार्क बन गया. डू वी हैव टू एक्सप्लेन हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य. क्या हमें उसे नहीं समझाना पड़ता है? डू वी नॉट, डू वी नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैव टू एक्सप्लेन क्वेश्चन मार्क. इसलिए बोलता हूं पूरा प्रीवियस वीडियो भी देखना, चेन से देखना. अगर आप कल के वीडियो को समझ गए या कल की क्लास को समझ गए तो आपको आगे आज की क्लास समझ में आएंगी. क्या हमें उसे नहीं समझाना पड़ता है? डू वी नॉट हैव टू एक्सप्लेन हिम. हमें उसे कब समझाना पड़ता है? वेन डू वी हैव टू एक्सप्लेन हिम. लिख सकते हैं डब्ल्यू एच नेगेटिव. वेन वेन डू वी हैव टू हमें उसे कब समझाना नहीं पड़ता है? When do we not have to explain question mark. देखो ये मैंने जस्ट आपको एक समझाने के लिए बताया, इससे किस कितने प्रकार का सेंटेंस बना सकते हैं. इधर देखना, ये हमारे छह प्रकार के सेंटेंस हैं. इस छह प्रकार के सेंटेंस में हम उसको अच्छे से समझेंगे. और जैसे हमें उसे समझाना पड़ता है, वी हैव टू एक्सप्लेन हिम. हमें उसे नहीं समझाना पड़ता है, वी डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन हिम. हमें उसे समझाना नहीं पड़ता है, वी डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन हिम. क्या हमें उसे समझाना पड़ता है? इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक. Do we have to explain him? क्या हमें उसे नहीं समझाना पड़ता है? Do we not have to explain him? बोलना है. क्या हमें उसे नहीं समझाना पड़ता है? Do we not have to explain him? हमें उसे कहाँ समझाना पड़ता है? Where do we have to explain him? हमें उसे कहाँ समझाना नहीं पड़ता है? Where do we not have to explain him? मुझे उसे समझाना पड़ता है. I have to explain him. आपको उसे समझाना पड़ता है. You have to explain him. उसे समझाना पड़ता है. He, अब लड़का लड़की को समझाएगा. He has to. Have to नहीं आएगा. क्यों आएगा has to? क्योंकि singular subject है. तो उसे समझाना पड़ता है. He has to explain her. अगर लड़की लड़के को समझाएगा, सी हैज टू एक्सप्लेन हिम.
क्योंकि लड़की के लिए हर यूज करेंगे और लड़के के लिए हिम। राम को राम श्याम को समझाना पड़ता है या राम श्याम को, उलझ रहे हो? सुनो, हमें उसे समझाना पड़ता है, राम को श्याम को, राम को श्याम को समझाना पड़ता है। राम श्याम को समझाता है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। समझाता है, इसमें हमारी पहचान क्या आ रही है? राम को श्याम को समझाना है, राम को श्याम को समझाना है, राम श्याम को समझा, राम को श्याम को समझाना पड़ता है। मुझे नैतिक को समझाना पड़ता है, मुझे नैतिक को समझाना पड़ता है, मुझे अमन को समझाना पड़ता है, अमन को श्याम को समझाना पड़ता है, आकाश को विजय को समझाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? जब हमारे नाम के सब्जेक्ट बनेंगे तब ऐसे बनेगा। हेलो, आ रहा है? अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मुझे इंग्लिश बोलना होता है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना होता है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसे इंग्लिश बोलना होता है, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। पवन को इंग्लिश बोलना होता है, पवन हैज टू स्पीक इंग्लिश। मुझे लिखना होता है, आई हैव टू राइट। आपको खाना होता है, यू हैव टू ईट। उसे खाना होता है, ही हैज टू ईट। राम को खाना होता है, राम हैज टू ईट। श्याम को खाना होता है, श्याम हैज टू ईट। लखन को खाना होता है, लखन हैज टू ईट। इसका नेगेटिव बनाएंगे, लखन को खाना नहीं होता है, लखन डज नॉट हैव टू ईट। क्योंकि हैज टू में से हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगी? डज। वो हैज टू से क्या बन जाएगा? हैव टू। मुझे आपको समझाना पड़ता है, आई हैव टू एक्सप्लेन यू। आपको मुझे समझाना पड़ता है, यू हैव टू एक्सप्लेन मी। मुझे आपको समझाना नहीं पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन यू। दीपक, आ रहा है समझ में? ध्यान से पढ़ना बेटा, है ना? नहीं आता है, रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। दिस इज योर क्लास, यू कैन आस्क 1, 2, 3 जब तक अंटिल यू आर नॉट अंडरस्टूड द थिंग्स केयरफुली या गुडली। अगर आप अच्छे से तब तक नहीं समझते जब तक आपको पूछना है, यहाँ पे आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। आप 2 बार 3 बार पूछोगे, 2-3 बार में आपका क्लियर हो जाएगा। इट्स माई कॉन्फिडेंस टू यू। मुझे पता है आप लोग इतने अच्छे हो कि आपको 1 बार में 2 बार में समझ में आ जाएगा। समझ में आया मैंने जो बताया? कुछ और एग्जाम्पल्स से जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम इसको बताते हैं, फिर 1 by 1 पूछते हैं आप लोगों से। जैसे तुम्हें घर नहीं जाना है, तुम्हें घर नहीं जाना है, हम पूछते हैं ना, तुम्हें घर नहीं जाना है, यू डू नॉट हैव टू गो टू होम। यू डू नॉट गो टू, यू डू नॉट हैव टू गो टू होम। सुनो, तुम्हें घर नहीं जाना है, इधर तुम्हें घर नहीं जाना है, जाना है ना? तो देखो, तुम्हें को बोलेंगे यू। अब नेगेटिव सेंटेंस है और प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में काय का यूज करते हैं? हाउ टू का। तो यहां से हेल्पिंग वर्ब कौन सी निकलेगी? तो यू डू नॉट, हैव टू गो टू। देखो, तुम्हें घर नहीं जाना है, यू डू नॉट हैव टू गो टू होम। तुम्हें घर जाना है, यू हैव टू गो टू होम। तुम्हें घर नहीं जाना है, यू डू नॉट हैव टू गो टू होम। क्या तुम्हें घर जाना है? यू हैव टू गो टू होम। तुम्हें घर नहीं जाना है, यू डू नॉट हैव टू गो टू होम। क्या तुम्हें घर जाना है? यू हैव टू गो, यू हैव टू गो टू होम। क्या मुझे घर जाना है? डू आई हैव टू गो टू होम। क्या मुझे घर नहीं जाना है? डू आई नॉट हैव टू गो टू होम। मुझे कब घर जाना है? वेन डू आई हैव टू गो टू होम। मुझे इंग्लिश बोलनी है, आई हैव टू गो टू, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलनी है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसे इंग्लिश बोलनी है, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। मुझे संस्कृत बोलनी है, आई हैव टू। उसके बाद और सेंटेंस देखते हैं,
उसे जॉब नहीं छोड़ना है, उसे जॉब नहीं छोड़ना है, तो ही डज नॉट हैव टू लीव द जॉब, ही डज नॉट हैव टू लीव द उसे जॉब छोड़नी है, ही हैज टू लीव द जॉब। मजबूर है वो बेचारा, बहुत काम करवाते हैं, छोड़ना ही पड़ेगा, उसे जॉब छोड़नी है, ही हैज टू लीव द जॉब, मुझे काम करना ही है, करना मुझे काम करना है, आई हैव टू डू वर्क, आई हैव टू डू वर्क, मजबूरी है ना, मुझे स्कूल जाना ही है, मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे कोचिंग जाना ही है, आई हैव टू गो टू कोचिंग। तुम्हें कब आना है, तुम्हें कब आना है, When do you have to come? चलो अमन खड़े रहो तुम, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना है, Where do I have to go? दीपक मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे बात करनी है, you have to I have to talk to you. पवन मुझे आपको समझाना है, मुझे आपको समझाना है, I have to explain you. नैतिक मुझे आपसे बात करनी है, I have to talk to you. ऋषभ आपको मेरे घर आना है, आपको मेरे घर आना है, you have to come at my home, you have to come at my home. दिव्यांश तुम्हें मेरी शादी में नाचना है, तो नहीं नाचोगे क्या, तुम्हें मेरी शादी में नाचना है, यू हैव टू डांस इन माई मैरिज, यू हैव टू डांस इन माई मैरिज। चलो अंशिका मुझे मुझे लिखना है, यू आई हैव टू राइट। यार सीखने आते हैं हम, चीजों का समय का सही उपयोग करो, नहीं बात है समझ में पांच बार पूछो, मैंने बोला है आपसे मैं समझाऊंगा आपको, तब तक समझाऊंगा जब तक आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, पूछना है।